नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 24 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो साथियों, आज की हमारी क्लास में हम सामान्य ज्ञान रोज के क्वेश्चन के साथ साथ कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा जाएगा। आप सभी से गुजारिश होगी कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा था आप उसका आंसर जरूर करेंगे। तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लेंगे, जरूर से जरूर ये काम आप जरूर कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करंट का जो पोर्शन है सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अहम रोल होता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो आपको करंट के से तो अपडेट होना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप डेली करंट अफेयर क्लास लेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका जो करंट का पोर्शन है इंप्रूव होता चला जाएगा। हमारी क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप एक बार लेके देखिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि इंडियन सुपर लीग जो 2022 है में किसने जो केरल ब्लास्टर को हराकर अपनी जो पहली ट्रॉफी जीती है, तो किसने जीती है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर का जगह तो हैदराबाद एफसी ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात को देखिए, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती, किसने जीती है? ये मणिपुर ने जीती है। और हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा जो विश्व कप फाइनल जीता था, किसने? चेल्सी एफसी ने जीता है। और हाल ही में जो डूरंड कप 130वां संस्करण था, किस जीता है? तो एफसी गोवा ने ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की चुना गया है। और हाल ही में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो नंगोम बालादेव पुरुष में संदेश जिंगन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इतना ही पढ़ना है जितना हमें हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हमें इस पर पीएचडी नहीं करना है, क्वेश्चन पर इतना ही याद करना है आपको, सिर्फ जो एग्जाम में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में जो प्रीत जकर जो पुरस्कार है 2022 किसने जीतने वाले जो पहले अफ्रीकी है ना कौन बने हैं, तो कौन बने हैं? सेकेंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बने? तो फ्रांसिस कैरे बने हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रीत चक्र जो पुरस्कार है ये वास्तु कला के जो क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में ये दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना कब हुई थी, तो 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया, इसको नमिता गोखले को दिया गया। और हाल ही में जारी साहित्य अकादमी पुरस्कार सूची में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो किसको दिया गया? दयान प्रकाश सिन्हा को यह अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए, हाल ही में साहित्यकार को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, तो किसको दिया गया? ये दामोदर मौजो को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, तीसरा है कि हाल ही में जो नाइट प्रैंक जो फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल जो हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, तो इस सूची में भारत कौन से स्थान पर आया, तो इसमें 91वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो ये नाइट फ्रैंक में इसमें 91वीं पोजीशन पर रहा है भारत की इस सूची में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट व्यू से। देखिए पहला है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया, तो इसमें भारत 56वें स्थान पर आए। और जो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आए, तो 18वें स्थान पर। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आए, तो 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में जारी जो ग्लोबल जो क्लाइमेट टेक जो इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेड है रिपोर्ट कौन से स्थान पर आया, तो इसमें तो कौन स्थान पर आया, तो 9वें पोजिशन पर इसमें रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 22 से 31 मार्च 2022 तक भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच जो एक्साइज डस्ट लीक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो फोर का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा, तो यांगी यारिक जो उज्बेकिस्तान में ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना महत्वपूर्ण जन, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट व्यू से। देखिए भारत और किस देश के बीच जो संप्रीति जो युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो भारत और किस देश के बीच किया जाता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये युद्ध किया जाता है। और भारत और किस देश के बीच जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजित किया जाता है, तो भारत और
श्रीलंका के बीच, और भारत और किस देश के बीच ये मैत्री जो अभ्यास शुरू किया जाता है, भारत और थाईलैंड के बीच, ठीक है। और भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए जिन साथियों ने अभी तक वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया ना अपने दोस्तों में, फटाफट से व्हाट्सएप पे जहाँ भी टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं आप, जो जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं या फिर जहाँ भी आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लाइक नहीं करते, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। यदि आपको PDF संबंधी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम आपका जो प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पाँच का हमारा हाल ही में जारी जो IQAR 2021 जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के लिए दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो कौन है? तो पाँच का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली भारत क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा पाँच का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे देखिए सब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या है, तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का पांचवा कंजेस्टेड शहर चुना गया है, तो कौन सा चुना गया है? मुंबई चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और किस राज्य केंद्र प्रदेश में जो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो कौन से केंद्र प्रदेश ने? जम्मू कश्मीर ने इसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने के लिए गल्फ निवेश समिट 2022 शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है? सिक्स का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में ये किया गया है, तो ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ ले वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, तो मनोज सिन्हा जी क्या है वहाँ के उपराज्यपाल है। और 100% टिका करने वाला देश का पहला जो गांव था वो कौन था, तो व्यांत जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंजी नदी पर देश का सबसे पहला केबल जो रेलवे ब्रिज बनाया है, तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लेवेंडर को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जो डोडा जिले में ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने, सातवां कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर और वरिष्ठ पत्रकार को कौशिक द्वारा सह लेखक रिस्ट एस योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक की आत्मकथा लिखी है, तो सेवन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा किसने, तो GR विश्वनाथ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवन का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है वो देख लीजिए, प्लेइंग इट माई किसकी जो आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये युवराज सिंह की है, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो आत्मकथा है किसकी है, तो ये सौरभ गांगुली की है, ठीक है। और 281 एंड बियॉन्ड किसके आत्मकथा, ये विवेश लक्ष्मण की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आत्मकथा थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डे से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ, देखिए डे का हमारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विश्व जो क्षय रोग यानी कि जो टीबी दिवस है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो आठ का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए टीबी डे यानी कि क्षय रोग दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए ना महत्वपूर्ण जानकारी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस है, और 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है, और 12 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया, अब चलते हैं कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देख कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर आए, तो इस सूची में भारत कौन से स्थान पर आया था, भारत इसमें 136वें पोजिशन पर रहा था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का आप सभी के सामने कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित ये 2022 शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है ना, भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है, तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं, अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज हमारी 202 की क्लास है, ऑलरेडी हम 201 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, यक्षगान जो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाते थे, भारत और चीन की, ठीक है। प्याज का जो खाद्य भाग कौन सा है, तना है। और मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो कहाँ की शैली है, ये बिहार की है। नवविरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेडी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, लोथल था। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे सामान्य ज्ञान डोज के जो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। जितने भी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, यानी डेली कंट अफेयर की जो क्लास आते हैं नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाएगा, ठीक है। साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukriasman.com, इसे विजिट कीजिए। अब हर एग्जाम संबंधी यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। साथ में आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।